असलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैं आपको नेम लिखना सिखाऊंगी। तो काउंट लिखते हैं, सबसे पहले 1 to 12 तक काउंट लिखनी है और यहाँ पे 2 बॉक्सेस को स्किप करके आपने थर्ड बॉक्स में आना है और 1 to 7 तक काउंट लिखनी है। 1 to 7 तक काउंट लिखने के बाद आपने यह करना है कि यहाँ पर आप 6 के बॉक्स में आएंगे। अच्छा, मैं आपको एक बार बताती चलूँ, मैं आपको अगेन सिखा रही हूँ, लेकिन फे और मीम में कोई डिफरेंस नहीं होता, बस एक नुक्ते का फ़र्क होता है, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं होता। लेकिन मैं आपको फिर भी एक दफ़ा इसको सिखा देती हूँ। 6 के बॉक्स में आते हैं और 6 के बॉक्स में आपने मिड में मार्क करना है, यहाँ से 1 का बॉक्स और यहाँ पर 6 का बॉक्स। उसके बाद हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट यहाँ पर 10 के बॉक्स में आएंगे और आप यहाँ पर मार्क करेंगे, ठीक है, और डायरेक्ट 7 के बॉक्स में आएंगे तो फिर आप यहाँ पर मार्क करेंगे, ठीक है, फिर 6 के बॉक्स में आएंगे और यहाँ से 9 के बॉक्स में, तो आप इसके यहाँ पे मार्क करेंगे और देन यहाँ पे मार्क करेंगे, ठीक है। अब इनको नाइन्स को मैच कर लीजिए। इसके बाद आपने यह करना है कि यहाँ पर 9 के बॉक्स में और यहाँ पे 1 के बॉक्स में आपने यहाँ पे मार्क करना है, ठीक है, फिर यहाँ से 8 का बॉक्स और यहाँ पे 1 का बॉक्स आप यहाँ पे मार्क करेंगे, ठीक है, फिर यहाँ से 3 का बॉक्स और यहाँ पे 8 का बॉक्स, ठीक है, फिर आप 3 के बॉक्स में रहते हुए बिल्कुल मिड में मार्क करेंगे। ऊपर से बिल्कुल पार्ट इसका फे जैसा ही है, जैसे फे में किया था हमने, काफ में किया था हमने, वाओ में किया था। इसके बाद हम 8 के बॉक्स में रहते हुए यहाँ पे 3 के बॉक्स में आप इसके क्वार्टर पे मार्क करेंगे, फिर 7 के बॉक्स में आ जाएंगे, यहाँ पे 7 का बॉक्स और यहाँ पे 3 का बॉक्स, फिर आप अगेन इसके क्वार्टर पे मार्क करेंगे। फिर हम 7 के बॉक्स में रहते हुए 2 के बॉक्स में आएंगे और आप इसके मिड में मार्क करेंगे, फिर यहाँ पे 1 के बॉक्स में आएंगे और यहाँ पे 6 के बॉक्स में आएंगे, तो यहाँ पे इसके क्वार्टर पे मार्क करेंगे और इस तरह इसको एक राउंड शेप देंगे, ठीक है। राउंड शेप देने के बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ से स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और यहाँ भी स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और यहाँ पे मिड में मार्क करेंगे और यहाँ भी मिड में मार्क करेंगे और एक ये मार्क करेंगे, यहाँ पे 2 स्ट्रेट लाइंस लगेंगी और यहाँ पे राउंड शेप होगी, तो ये आपका मीम हो गया।